हाई फ्रेंड्स सो लेट एस सी दी हैदराबाद कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो न्यूज़ क्या है न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज चूज हैदराबाद फॉर एस्टेब्लाइसिंग सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो फ्रेंड्स दिस न्यूज़ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर आर बी आई एंड सी बी एग्जामिनेशन सो फ्रेंड्स बिफोर आई बिगिन लेट मी वेलकम यू आर टू एक्स एम बी शुरू करते सबसे पहले हमारा वीडियो हम देखते हैं न्यूज़ जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में चल रहा right? see, uh, Industry, है राइट एंड यू कैन सी हमारे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि पीयूष गोयल हैं उनका फोटो आप देख पा रहे हो ही इज मेटिंग क्वाल्स एट डावोस 2023, राइट वेयर ही इज डिस्कसिंग दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज बींग बिल्ट एंड डिलीवर्ड फ्रॉम इंडिया टू दर्ल्ड राइट right? अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ बिल्ट एंड डिलीवर्ड ये हम पूरे लेक्चर में आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा एंड मैं आपको बताऊँ ये जो पर्सन बैठे हुए हैं ही इज द पर्सन हु हैव द टर्म सी फोर आई आर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये नाम इन्होंने दिया है राइट इट्स फोर आई आर ओके सो ये नाम उन्होंने कब दिया टू थाउजेंड सिक्सटीन में दिया था सो so, फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे अब देखते हैं व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकॉज हमको बेसिक पता होना चाहिए ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है देखो टोटल अगर देखेंगे ना अब तक हमारे बीच में टोटल तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम देख चुके हैं एंड फोर्थ हम ट्रांजिशन फेज में हैं कैसे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था मैकेनाइजेशन का वाटर पावर का एंड स्टीम पावर का मतलब लो, लोग ये वाटर पावर मतलब हाइड्रो एनर्जी का यूज़ करना सीख गए थे और उसके यूजेज से इकोनॉमिक पोटेंशियल को टैप किया गया एंड दैट वॉज द पीरियड इट वॉज कॉल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगेन स्टीम पावर है ना स्टीम इंजन आया स्टीम इंजन से मतलब uh, वो कोल कोल वाला इंजन राइट इफ यू रिमेंबर पहले रेलवे में कोयला इंजन का लगता था कोल इंजन लगता था सो दैट वॉज एक्चुअली इन स्टीम इंजन जो स्टीम से वो पावर आउटपुट देता था एंड थ्रू दैट फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंक्लूजन हुआ एंड इन सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मास प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग सामान बनाना सीख जरूर गए थे लेकिन उसको मास लेवल पर कैसे मैन्युफैक्चर करके ये पता नहीं था बिकॉज असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं था बट धीरे धीरे दे हैव लर्न एंड दे हैव बिल्ट दी प्रोसेस एंड देन केम दी कॉन्सेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन थ्रू असेंबली लाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ही तरीके का हजारों Uh, मतलब एक ही तरीके का चीज हजारों क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन देर इज ए असेंबली लाइन जहां पे असेंबली लाइन में लोग खड़े होकर एक जैसा टास्क कर रहे हैं मान के चलो इट्स मैनुफैक्चरिंग ए व्हीकल तो कोई एक असेंबली लाइन में गाड़ी का सिर्फ डोर्स को फिट कर रहा है तो कोई असेंबली लाइन में गाड़ी के सीट्स को फिट कर रहा है तो कोई असेंबली लाइन में गाड़ी का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स को फिट कर रहा है एक असेंबली लाइन में गाड़ी के इंजन को फिट किया जा रहा है एक असेंबली लाइन में गाड़ी के टायर्स को फिट किया जा रहा है एंड सो ऑन दैट इज हाउ दी कंक्लूजन ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन उसमें अगर हम बात करें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसी चीज को ऑटोमेट किया गया मतलब देखो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में असेंबली लाइन तो बना दिया गया बट देन केम अप दी क्राइसिस ऑफ पीपल जहाँ पे एक असेंबली लाइन में बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते द लिमिटेशन वॉज पीपल मतलब लोगों ने ही शुरू किया लेकिन लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि ये काम मशीन करेगा तो और एफिशिएंट होगा और जल्दी होगा एंड और बेहतर होगा अच्छे अच्छा क्वालिटी आउटपुट मिलेगा सो द ट्रांजिशन बिगेन एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज अबाउट कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन वेयर ऑल दोज पीपल हैव रिप्लेस्ड अब वो लोग नहीं हैं असेंबली लाइन पर अब असेंबली लाइन कंप्लीटली ऑटोमेटिक है ऑटोमेशन में ये रोबोटिक्स काम कर रहा है एंड एवरीथिंग इज बिंग कंट्रोल्ड बाई दी कंप्यूटर्स मतलब इन बेसिक सेंस एवरीथिंग इज़ बीन कंट्रोल्ड बाई द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जमाना तो अभी भी चल रहा है एंड ये चलेगा बट अब हम इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज करके एक दूसरा चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं यूजिंग अवर मोबाइल फोन यू नो फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर बिटवीन पीपल है ना इज़ रिमूव्ड मतलब आज आप कहीं से भी बैठ के किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हो आप आज घर में बैठ के थ्रू इंटरनेट ऑफ तो थिंग्स आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो आप हजारों किलोमीटर दूर किसी किसी घर का सी सी टी वी के थ्रू आप यू नो यू कैन टेक द पिक्चर यू कैन वॉच दैट लाइव स्ट्रीम मतलब आप क्या नहीं कर सकते हो सो दिस इज़ मोर अबाउट दिस साइबर एंड फिजिकल सिस्टम एंड दिस इज़ वाट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज लेकिन जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये पूरा पूरी हमारे बीच में अभी तक नहीं आ पाया है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट वेन आई सी जस्ट द बिगिनिंग इट डजेंट मीन वी हैव डन मैनी थिंग राइट और एनी थिंग वी हैव डन सो मैनी थिंग विच इज एविडेंट इनफ टू कंक्लूड दैट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बिगिनिंग राइट एंड दैट इज वेयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टैप करना चाहता है राइट right? कि इस इस ट्रांजिशन को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए सो इन इन बेसिक सेंस व्हाट इज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर आई आर इट इज़ करेक्टराइटिक्स बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्लर द बाउंड्रीज बिटवीन डिजिटल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड इज ड्रिवन बाई डेटा दूसरा की टेक्नोलॉजीज इंक्लूड क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डेटा ऑटोनोमस रोबोट्स साइबर सिक्योरिटी स्टिमुलेशन एडिटिव मैनुफैक्चरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग अगर हम बॉस्टन कंसल्टिंग फर्म की बात करें तो उन्होंने ये सारे टेक्नोलॉजी को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया है एंड दे हैव नेम्ड एक्चुअली नाइन टेक्नोलॉजीज जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डेटा ए सिस्टम इंटीग्रेशन ऑटोनोमस रोबोट्स साइबर सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सारा चीज़ शामिल हो राइट right? तो अब आप देखो न्यूज़ क्या है राइट right? तो मैंने इतना समय तो सिर्फ बेसिक समझाया तो सिंपल है न्यूज न्यूज यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सेंटर होगा फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दे हैव सेलेक्टेड हैदराबाद राइट यू कैन सी द मिनिस्टर मिनिस्टर के टी रामा राव ऑफ स्टेट ठीक है तेलंगाना स्टेट के मिनिस्टर हैं ही इज मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेयर दिस वॉज डिस्कस्ड एंड डिक्लेयर तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है राइट right? अब ये जो सी फोर मैंने शुरू में लिखा था ना इट्स सेंटर फॉर C4 मतलब सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है कि कौन सा जगह पे ये रेवोल्यूशन शुरू होगा एंड uh, वो मास लेवल पे लेके जाया जाएगा सो यू नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज सेलेक्टेड हैदराबाद बहुत ही प्राउड मोमेंट वी फॉर इंडियंस बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया अभी सी का मतलब सी को हटा देंगे तो दैट्स फोर आई आर मीन्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको मैंने शुरू में बताया था कि दिस टर्म वॉज गिवन बाई आई मीन गिवन इन दर टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है सो so, अब बढ़ते हैं आगे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफ फोर से आए मतलब वाट आर दी एग्जाम्पल्स ये तो बड़ा नॉर्मल चीज़ है ना मतलब एक स्लाइड में पीछे चले जाऊँ ताकि वो अब पढ़ने ना शुरू कर दो तो एक चीज़ तो बड़ा कॉमन है ना देखो हम अभी आजकल मोबाइल फ़ोन से बैठ के हमारे बल्ब के इंटेंसिटी को चेंज कर सकते यूजिंग आई आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम एमेजोन की जो डिवाइस है एलेक्सा डिवाइस गूगल डिवाइस उसको बोल सकते प्ले दी पर्टिकुलर सॉन्ग एंड दे आर गोइंग टू प्ले इट राइट सो दैट दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेकिन इसके अलावा भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है सो लेट एस टेक टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन इज मे छब्बीस दो हज़ार बाईस में यू एस के रिसर्चर्स ने पेस मेकर अब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ पेस मेकर क्या है असिस्टिड डिवाइस है मतलब बहुत लोगों का हर्ट जो है ना वो बॉडी को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है सो पेस मेकर इज़ दी सपोर्ट सिस्टम फॉर ह्यूमन हर्ट जो हर्ट के ऊपर फिट होता है एंड वो हर्ट को कॉन्स्टेंटली uh, मतलब मॉनिटर करता है एंड जब भी हर्ट को मदद चाहिए ब्लड पम्प करने में पेस मेकर टेक्स दैट टास्क सो दैट जो इंसान है जो ह्यूमन बॉडी है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो तो जो यूएस के रिसर्चर हैं उन्होंने रिवील किया कि पेसमेकर इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर कंप्लीटिंग इट जॉब्स मतलब आप एक चीज सोचो एक मैकेनिकल डिवाइस डिजोल्व हो जाता है बॉडी में आफ्टर उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है ठीक है द फोर वायरलेस सेंसर्स ऑफ द देश मॉनिटर वाइटल टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल एंड हर्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी द डिवाइस देन एनालाइज द वाइटल एंड डिसाइड्स वेन टू पेस द हार्ट एंड टू रेट कब हार्ट को रेस्ट देना चाहिए एंड कब बूस्टअप करना चाहिए डॉक्टर्स कैन वायरलेसली एक्सेस द इंफॉर्मेशन ए टैबलेट और स्मार्टफोन सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन पहला हो गया एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं तो एक एक दूसरा एग्जाम्पल है ओके okay, एक दूसरा एग्जाम्पल है जेनोबॉट्स का देखो जेनोबॉट्स दिस आर द फर्स्ट लिविंग रोबोट्स ये एक्चुअली है रोबोट्स रो ही लेकिन दे कैन मल्टीप्लाई राइट तो मेरे कैन यू इमेजिन कि एक रोबोट्स है दे कैन मल्टीप्लाई बायोलॉजिकली दे कैन मल्टीप्लाई दे कैन क्रिएट मोर रोबोट्स एंड ये रोबोट्स फ्यूचर में मतलब uh, बहुत सारा चीज कर सकते हैं राइट स्टेम सेल बना सकते हैं ये लोग माइक्रो प्लास्टिक को खा सकते हैं दे कैन रीग्रो डेड सेल ऑफ एंड द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड वट नॉट सो दिस विल बी बूस्ट टू एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी एंड किस सेक्टर पर काम नहीं कर सकते दे कैन To n number of things which we can't even think of right now. So, this was it. Let's meet in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. All the very best for all the exams that you are preparing, but I know you're preparing for RBI, and that's the reason we are offering 50% discount on the RBI course. If you are interested, do watch the video. Or call in this number. With this, let me remind you that IXMB helps you prepare 50% faster.